मारो परिवार के बंधन कब तक रहेंगे? पूरी आदमी ने पेड़ को पकड़ लिया है और कहता है ये पेड़ हमको छूटता है नहीं, ये कब छोड़ेगा? अरे छोड़ो तो छूटे, अपने आप छूट लग गया। छोड़ने वाले छोड़ने वाले तो बाबा एक सेकंड में छोड़ देते, परिवार का वजन टाइम थोड़ी लगता है, मन बुद्धि से छोड़ना है। मन बुद्धि से ही छोड़ना है, छोड़ते हैं एक बार छोड़ते हैं दूसरा परिवार बता लेते हैं, कुछ नहीं बाबा फिर छूटता है कि बच जाता है। एक बाबा का परिवार बता लेते हैं, बाबा की बुद्धि में एकदम बता लेते हैं, जो बता लेते हैं तो उनका रिजल्ट भी निकलता है। जो पहले पहले अपनी बुद्धि में ये कोई बताते हैं और किसी को नहीं बताते, नष्ट हुआ श्रद्धा देह से, नष्ट हुआ अपनी देह से, नष्ट हुआ कोई देह का तुम नहीं देना। अगर आकर्षित होंगे तो क्या करूँगा, तो कहेंगे हाँ अपनी देह से नष्ट हुआ हो गए, देह के सुखों में आकर्षित हो गए तो हो गए, मैंने देह से नष्ट हुआ नहीं, फिर देह के संबंधों से नष्ट हुआ, संबंध जोड़े जाते हैं ना, तो देह की इंद्रिय और देह का संबंध जोड़े जाते हैं, तो जो संबंध जोड़े हैं उन संबंधों से भी नष्ट हुआ होना पड़े। आप डिक्लेयर कैसे होते हैं, और अपने देह की भी परवाह नहीं की होगी क्या, जो मिले तो खाना है, जो खिलाए, जो पहनाए, जहां रहाए, झोपड़ी में रखे तो झोपड़ी में रहेंगे, खुले आसमान में रखे तो खुले आसमान में रहेंगे। नंबर बार बने था बाबा तो आज तो फिर वही बात बता रहे हैं, बात तो यही बताई कि नष्ट मोह बनने की बात है, मोह त्याग करने की बात है। जब मैं आता हूँ तो कन्या को माता बना देता हूँ, माता को कन्या बना देता हूँ। जब मैं आता हूँ तो रुद्रमाला के मणकों को पढ़ाता हूँ, विजयमाला के मणकों को पढ़ाता हूँ, रुद्रमाला के मणकों को पढ़ाता हूँ। जो रुद्रमाला के मणके हैं वो जन्मांतर के राजाएं हैं या रानी है, राजा है, उन राजाओं बनने वालों में जो पुरुषार्थ करने वाले हैं वो चाहे स्त्री चोले के हो और चाहे पुरुष चोले के हो। अब जो स्त्री चोले के हैं उनमें दो तरह के हैं, एक तो शादीशुदा माताएं ऑलरेडी पहले से ही बनी पड़ी क्या, उनका संबंध किससे पहले से ही हो गया, अगर तुम्हारी पहले से ही बन गई ना तो पहले से ही माता है, तो अगर वो माता है पति की देने का संबंध जो होता है इंद्रियों का संबंध तो क्या लिए क्या देह का सुख हमें ले नहीं, जैसे देह मुर्दा हो गई देह को मुर्दा बना दिया, जिंदा है तो भी क्या बना दिया मुर्दा, देह को कोई हरकत नहीं, कोई प्रकार का सुख नहीं हो गए तो देह मुर्दा हो गई और आत्मा को ऊपर उड़ा दिया, मन को बुद्धि को करवा दिया, जो भी सुख और दुख भोगे जाते हैं मन से भोगे जाते हैं या फिर शरीर से भोगे जाते मन से, मन सबसे आगे रहता है, मन बुद्धि का ये हिसाब है। जैसे कोई किसी को प्यार में डूबा रहता है, प्यार में डूब गया और प्यार में डूबे हुए वो आंख खोल करके जा रहा है, प्यार है उसकी
आपकी आंखों के सामने से कोई निकल जाता है, तो फिर पूछा जाता है कौन निकल गया, ध्यान ही नहीं, तो मन कहाँ चला गया? नहीं, प्यारा है उनका, उसके साथ चला गया, तो मन ने ध्यान नहीं दिया और आंखें खुली रही, तो आंखों ने देखा क्या? ऐसे ही जो और कर्मेंद्रियां हैं वो सुख नहीं ले सकती, वो कर्मेंद्रियां दुख नहीं ले सकती, सुख दुख तब लेंगी जब मन लगा हुआ होगा। तो यहाँ भी ऐसे ही मन बुद्धि से एक सब उपराम बोलते भी बोल तब तक ध्यान करेगा, अरे एक बार करेगा, दो बार करेगा, दस बार करेगा, अगर दूसरी बार नहीं धमकी दे देते बाबा, घर से जा दीजिए, नहीं अब तो धमकी दे देते, घर से निकाल देंगे और क्या, तो समझते होंगे, तो कुछ समझते होंगे कि हम कुछ धमकी नहीं मिलती है, जब जाएंगे सही पता नहीं करते बाबा से करते हैं। एक होते हैं बोलने वाले, एक होते हैं गरजने वाले, एक होते हैं गरजने वाले बादल, जो गरजते हैं वो गरज और बोलते हैं, एक होते हैं गरजने वाले भी हैं तो गरजने वाले भी, एक होते हैं गरजते बहुत और गरजते भी बोले, यहाँ भी तीन करेंगे मुक्ति भी बोल बोल बहुत करेंगे, पहले बादल है करेंगे नहीं, एक है बोलेंगे भी और करेंगे भी, दान देंगे और दान देने के बाद फिर बोला बोल 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 करते हमने ये दान दिए, ये दान दिए, दान दिए, दान करते हैं, दान करते हैं, तो फिर क्या कराए बराबर होंगे या कुछ भाग्य बना, तो कहना कम और करना ज्यादा, करना ज्यादा, कहना नहीं करके निकलना। बाबा माना हज के लिए तो बहुत किया, हज वालों के लिए तो जन्म जन्मांतर करते आए, क्योंकि मना 84 नियम में किया और अभी ये लास्ट है, तो लास्ट में शिव बाबा को क्यों ना करें, शिव बाबा को करेंगे तो कुछ मिलेगा और हज वालों को करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हज वाले तो सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं देते और सुख ही सुख मिलता, तो हम तो यही सोचते कि देहत का बाप जो मिला है तो हज वालों से कोई संबंध नहीं जुड़ना है, वाले और बहन वालों में भी फर्क है ना, हद वाले कौन है, परिवार वाले, परिवार और बेहद वाले कौन, वो परिवार नहीं है, वो भी परिवार है, वो परिवार है, उसमें हद वाले नहीं है, उसमें भी है हद वाले, मतलब वो कैसे है, उसमें भी हद वाले कैसे ऐसे है हद वाले, तो भगवान को पहचानते नहीं है, खुद ही भगवान बनके बैठते हैं, तो हद के हुए से हद के हुए, वो हद के हुए, हद के हुए ना, जैसे कहते हैं तन्मुख और विमुख, तो जो सामने बैठे हैं उनको तन्मुख कहेंगे क्या, बुद्धि से बैठे, हाँ सामने बैठे हो, लेकिन सामने बैठे हुए कोई भी तरीके से संकल्प न करे, और बैठे हैं सामने और अंदर मेरे अंदर तो बाबा एक ही संकल्प करता है, मेरे अंदर तेरे अंदर की बात नहीं बताई कि कलमों को बैठने हुए भी कोई बहुत विरोध करके आज बोलने जाएगी, बोलने वाले तुम क्या प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछने वाले कौन है, नहीं 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 रावण के साथ उठते ही चले जाते, उठते ही चले जाते, तो प्रसन्नचित्त है या प्रसन्न चित्त है, उसको कहेंगे भगवान मिल गया तृप्त हो गए, ये अतृप्त है, अतृप्त है, जैसे बाबा अभी 3 दिन तक प्रकाश मणि दादी रखी रहे,
में रखी रही, फिर बोल दिया कि उनने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। फिर 3 दिन के बाद पता चला कि शरीर अब छोड़ा हमारे। फिर उसके शरीर छोड़ने के बाद भी वो रखी रही, शरीर छोड़ने के बाद माना 24 घंटे रखी रही, वो मतलब उनको आग लगी रही है। ब्रह्मा बाबा को भी क्या हुआ था, जब मम्मा ने कहीं छोड़ा तो उनको भी आग लगी नहीं थी कि मम्मा वापस आ जाए, क्या पता मम्मा वापस आ जाए। फिर बाबा माना कहते हैं कि बीके वालों में भी वो अशांत नहीं रहते, वो लोग प्रेम ही नहीं करते, लेकिन बीके वालों ने तो प्रेम नहीं की बाबा, तो वो कह रही थी कि बाबा ने बिल्कुल अभी तक में अभी कहा है कि सभी चंडा पे एक साथ खाना बनेगा, ऐसा खाना बनेगा। तो ब्रह्मा बाबा की देह है, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में लगाव रह गया है या नहीं रह गया? हमारे लगाव रह गया तो गुलजार दादी को पकड़ा, दूसरों को नहीं पकड़ा। गुलजार दादी के शरीर में प्रवेश किया बाबा उन्होंने, और प्रवेश करा तो उन्होंने कहा कि ना भक्ति मार्ग में कोई एक माता और कोई भाई है, उसके यहाँ मैं जन्म लूंगी। कुमार का दादी के लिए, कुमार का दादी की तो वैसा ही करेंगी जैसा उनके बाप ने किया, ब्रह्मा बाबा माँ ने जैसा किया वैसा ही करेंगी ना। ब्रह्मा बाबा की देह से, देह के पदार्थों से लगाव हट गया क्या? नहीं हट गया तो भूत प्रेत बन जाते हैं, वो भी तो कहते हैं अगर यह चीज अच्छी लगती है भोग लगाओ। तो बाबा यहाँ के ब्रह्मा कुमारियों का है आश्रम, वो भोग लगाते हैं, कोई ब्रह्मी नहीं है। दीदिया ने हमको, हम लोगों को नहीं बुलाया, हम लोग चले गए तो उन लोगों के वो तोड़ गए, आप लोग चले गए, फिर हम लोग देखने चले गए उनके आगे भी खाने गए हम तो देखिए आत्मा जैसे शरीर छोड़ती है तो उसका गर्भपिंड पहले से तैयार हो जाता है, तो जैसे बाबा कोई एक्सीडेंट या कुछ होता है तो क्या बाबा उसका भी गर्भपिंड पहले से तैयार हो जाता है? बाबा दादी का तो तैयार हो गया होगा 4 महीने पहले, अनुमय प्रवेश करके पाठ बजाना है वो पहले से तैयार, 4 महीने पहले से उसको वो संधि लेके बजाएंगे। उनको जिंदगी भर याद करने वाले कैसे पवित्र होंगे? उनकी बुद्धि में ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं, उनकी बुद्धि में प्रकाश मरी की दादी की बुद्धि में ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं। तो मार्ग में जिसको भगवान ही नहीं माना गया वो याद किया बुद्धि में, तो भगवान भी याद किया है या शैतान भी याद किया? माना एडवांस में आके ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? ये हार्ट फेल क्यों होते जा रहे हैं बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार को वाले? मृत्यु अच्छी होनी चाहिए या खराब होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। बात कर ले अच्छे बुरा अच्छी बात तो अच्छा नहीं, जिसमें बेसिक में चलते वो अपवित्र है। पहले बेसिक में नहीं थे? अच्छा जो थे जो पहले बेसिक में थे तो पवित्र थे, अब एडवांस आ गए तो अपवित्र हो गए? बाबा ने बोला माया मुझे बाकी प्रत्यक्षता होगी,
तो माया दीदी सबसे पहले सरेंडर होगी। तो जिस तरह में अभी माया दीदी सभी उसी तरह के द्वारा सरेंडर होगी। जल्दी द्वारा मान अभी जो माया बेटी में से ही थोड़ा माया बेटी ने वो पक्की माया बेटी थी, बीज रूप में थी या जड़ रूप में थी या पत्तों रूप में थी, किस रूप में थी? जड़ रूप में थी। जड़ों से भी ज्यादा शिक्षक कौन होता है? जड़ों का भी बाप कौन? किसके लिए तुम बोल रहे हो? बीज रूप आत्मा के बारे में बीज रूप आत्मा थी वो आत्मा तो वो आत्मा बीज थी जड़ की जय रानी ब्रह्मा को याद करती हुई जय रानी ब्रह्मा को याद बीज उसे कहा जाता है जो निराकारी स्टेज बनाने वाला और निराकार को याद करने वाला हो, जिसकी बुद्धि में निराकार बाप बैठा हो और जो ब्रह्मा की गोद ली और ब्रह्मा की गोद पले तो ब्रह्मा की गोद याद आएगी या निराकार याद आएगी? जब मुझे दुखे है तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनकी बुद्धि में होगी सबसे ब्रह्मा बाबा याद आ जाता है। तो निराकारी है या साकारी है? बोला बाबा ये ना माया ना अंतिम अंतिम तक मन मना श्रीमत से नहीं चलती है, मन मत से चलती है। कौन? माया मन मत पर चलती है, फिर वो सरेंडर कैसे होती बाबा? ये कितने का माया मन मत, माया तो पक्की पक्की थी दोस्तों, तो धंधा मिला हुआ है माया बेटी, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब धक्का हो। फिर बाबा वो सरेंडर कैसे होती है और कब होती? सबसे पहले तो उसी को सरेंडर होना है, माया को सरेंडर होना है। हाँ तो एक्सीडेंट बाद में सरेंडर होंगे, अगर एक्सीडेंट भी सरेंडर हो जाए तो एक्सीडेंट भी सर्वशक्तिमान का कैसे ले लो? सर्वशक्तिमान से देखी है माया। अगर सर्वशक्तिमान एक्सीडेंट होते तो फिर आखिरी जन्म में क्यों भगोड़ा खा जाते? क्यों नहीं खींच जाते? तो उन आठों को तो खूब फटकाती है, ज्यादा मारती बनेगा उसको, ज्यादा फटकाएगी। इस साल वो सरेंडर हो जाएगी 2008 तो नहीं है उसके, हो जाएगी ना हो जाएगी गली है वो सरेंडर हो जाएगी। कौन है वो? अब जो भी हो तो बाबा जी की बता दूंगा। अब बाबा को मन बुद्धि से ब्रह्मा बाबा की, ब्रह्मा बाबा की आत्मा चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है तो चंद्र का पैर कैसे फाट दिया होगा? किसी ने काम जाके बता दिया क्या? कैसे पता चला? चंद्र का पैर फूटकर ब्रह्मा बाबा चंद्रमा के रूप में प्रवेश करते हैं तो ये कैसे पाठ सकते होता है कि ये महाकाल है, शंकर है, ये महाकाली, कैसे पता चलता है? मिट्टी में ऐसे पॉइंट बैठ जाते हैं, ज्ञान के पॉइंट के आधार से पता चलता है। हाँ ऐसे ही और आत्मा कौन से पता? फर्स्ट नंबर बेटी बाबा अभी बोला है कि बिजली की तरह वो खाना आती है, पहले माया बिजली बन के आती है। माया कृष्ण से पहले जन्म लेती है और क्या बाबा? माया जन्म लेती है, आपने कल बोला था मंडली में, सबसे पहले माया जन्म लेती है और फिर वो जब जाती है तो पहले तो होगी तो पहले पत्ते का जन्म होगा, पहले पत्ते का पहला पत्ता कौन है? पहला पत्ता कोई और होगा, बुद्धि कुछ खराब है नहीं है। जब बनेगी सत्युग बनेगा तो सबसे पहले किसके पत्ते का जन्म होगा या माया का जन्म होगा? तो फिर वो आती है, माया आती है उसके बाद बिजली बन के ऊपर चली जाती, कंस को ना डायरेक्टर दे जाती। माया किसके पास आती है? बाबा बिजली पर नहीं चलते हो माया आया।
बाबा मेहरबानी मुझे आनी पाते हैं हमारे संगठन के लिए, यहाँ से बाबा के बच्चे जाते नहीं है तो हमें बहुत अकेला महसूस होता है। आपने सारा चाहिए मैं बाबा के बच्चों का। कहाँ नहीं जाते? मेहरबानी कोई गांव है तहसील है, यहाँ से एक घंटे की रास्ता है। आपने हमें पहले दीदी बात दीदी को बुलाने के लिए बोला था तो आपने मना कर दिया था, हमने उन्हें बुलाया नहीं कि मतलब कोई चेकअप करवा दीजिए जो अन्य आत्माओं को ज्ञान मिले जो भक्ति मार्ग में चलती हैं। दीदी वाली आत्मा ज्ञान दिलवा देंगे? नहीं बुलाया नहीं, इसलिए तो हमने उन्हें बुलाया नहीं। तो हम चाहते हैं कि बाबा के बच्चे आगे हमारा सही रूप से। बाबा के बच्चे नहीं है हम हैं तो, लेकिन अकेले हैं बाबा बंधन में। अकेले अकेले भगवान आता है तो अकेला आता है, दो चार को साथ में भी आता है। बाबा आज दो बच्चों को जाए वहाँ पे एक आध महल में लेके वहाँ पर ही संगठन करें। हम बाबा आपके साथ रहता नहीं है? बाबा तो रहता है, क्या कहते हैं अकेले सब आत्माएं यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। हम आनी चाहते आज बाबा ने खालिया इसलिए आ गए, बाबा ने बुला लिया इसलिए आ गए, अब इनको बुला लिया। बाबा कहते थे अजय बाबा एक सौ पर पहले घंटी की हुई है, टीकमगढ़ से आई है बाबा। कौन? हमारी बहन। हाँ। लेकिन वो इधर नहीं आई, मम्मी की धर्म की है कि बाबा से मिलेंगे इधर तक नहीं आए, आप आ रही है। तो बाबा उन्होंने ऐसा क्या कर दूंगा? दीदी दीदी ने हमारी वो भट्टी करके हमारे विरोध में खड़ी हो गई। उल्टा बैठती बुद्धि में तभी तो आगे उल्टा हो जाता है, ऐसे कैसे उल्टा हो जाए? उल्टा ज्ञान सुनाया मूर्ति होने का मछली वाले आत्मा बोलने को मछली का भी कैसे याद करा मछली वाली आत्मा गए यहाँ बन जाने लगेगी मछली का ना कैसे करें बंधन डाला होगा? बातें कह रहा हूँ कि बाबा बंधन डाला होगा तो बंधन मिला हुआ है, हल्की हो रही है सर। इतना ज्यादा बंधन मिल रहा है, इतना ज्यादा बांधा बूंदी हो रही है तो हल्की हो रही है या जो बंधन को छोड़ के भाग जाते हैं वो कितने रचना वो भी अपनी इच्छा से रहता है और फिर छोड़ के भाग गया तो एक तो शादी की ये बंधन बांधा, दूसरे बच्चे पैदा किए दो चार ये बंधन बांधे और फिर सब बंधनों को तोड़ कर भाग गया तो उसे सन्यासी कहें क्या करें? सन्यासी सन्यास कुल का है, नहीं तो जो बांध रहा है खुशी से उसको खुशी से तोड़ खुशी से अच्छे से जाए और अच्छे से आए। जिसके बच्चे तोड़ के मारे भी उसको ये दोनों आती ना बाबा सुबह सुबह तो आदमी होते हैं। बाबा जी दोनों तीन बार हुआई लेकिन मम्मी को नहीं जाने की भर्ती करे, उन्होंने चेहरा मार अपनी मम्मी का और ना भर्ती करने का मैं देखी जिन लोग पहले घर जाती थी मा
आपके साथ, मम्मी को जाने नहीं देंगे व्यक्ति करेंगे जीवन जीवन में मम्मी कह रही है मैं माँ मेरे गुरु में कैसे जाऊँ मतलब भक्ति करने के लिए बाबा जी कर दिया पहले भाई रानी हूँ घर ले जा कैसे करें 18 साल की जब तक होते हैं तब तक वो माँ बाप की रचना है 18 साल समझदार होने के बाद वो रचना नहीं समझ लेने लगा हम जैसा करेंगे फ्रीडम जबरदस्ती खींच के ले ली या सहज सहज ले ली जबरदस्ती खींच के ले ली तो सहज जो सहज मिले तो दूध हम मांग लिया तो पानी अभी खींच के ले लिया तो खून आजाद खुद हो गए जिसका खुद ही पता नहीं पड़ा तो दूसरों को आजादी क्या दिलाएगा प्रजा पिता जब श्रीमद राम वाले आत्मा के घर जाते हैं तो राजकुमार वाली आत्मा के घर जाते अरे प्रजापिता देवग्राम ही तो राम राम ही तो पिता है अच्छा देवराम के पास जाते हैं जो तक गीता माता मिलती है और राधा बच्ची राधा को बच्ची राधा की बच्ची इसलिए बोला राधा की बच्ची इसलिए की बच्ची है और राधा की बच्ची बच्ची इसलिए है कि दोनों बाप के पढ़ने वाले बच्चे हैं बाबा कहते हैं बुद्धि बुद्धि बच्ची है बुद्धि बच्ची तो है तो बुद्धि बच्ची तो कहा राधा की बच्ची दोनों पत्नी है राधा बच्ची कोई बच्ची बोलता कोई माता बोलता मतलब पत्नी बोलती है दोनों पत्नी हनुमान जी आराम को बोलते हैं या कोई पक्का बोल रहे हैं बोल रहे हैं या हनुमान के आराम बोल रहे हैं हनुमान के आराम बोल रहे हैं सरकार जब दंड देगा तो साक्षात्कार करा के दंड देगा एक सेकंड एक सेकंड का सरकार करा के बता रहे हैं कि वो ऐसी गलती है तो एहसास कर रहे आपने कुल दिए माता एक सेकंड में आपको आपके जो 84 जन्म आपने जो कर्म किए उनको पूरा साक्षात्कार जो गंदे गंदे तरीकों से पैसे कमा रहे हैं और करोड़पति बन रहे हैं अरबपति बन रहे हैं और आगे आगे जो बड़े बड़े प्लान बनाते चले जा रहे हैं बड़ी बड़ी कलकारखाने खोलते चले जा रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हैं और अचानक विनाश हो जाए तो उस विनाश में उनके हाथ फेल होगा या नहीं होगा और हाथ फेल एक सेकंड में होता है कि ज्यादा टाइम लगता है एक सेकंड उनको कितनी असरा होती है कि हमने जिंदगी भर इतना प्रयास किया इतना पुरस्कार किया और इतना हमने बनाया हमारे सारे मंसूबे डरे रहे और सारी जिंदगी इतना प्रयास किया कि स्वर्ग आवेगा स्वर्ग आवेगा स्वर्ग आवेगा और स्वर्ग की जगह मिल जाए वो माताएं बिजली न लगाए हैं तो दृष्टि का स्रोत कैसे निर्माण कुछ छोड़ लेगा आपने बोला नहीं लगाने माता हूँ नहीं बिंदी लगाओ पूजा करो जाओ कौन बोला करता है लगाओ ना मना कौन करता है जो कुछ गृहस्थी में होता है भक्ति मार्ग में उनका पूरा साथ दो
मंदिर में जाते नहीं जाते नहीं जाते मंदिर में जाते नहीं जाते नहीं वाले को जाते आते फिर बिजली को बिजली की बात क्यों बिजली में हाँ लगाई जाती आती बिजली लगा लेते और बातों को जोड़िए महाजन मंदिर तो है कभी कभी ये बात महाजन के घर में शिव के मंदिर है ज्ञान में चलेंगे तो फिर क्या पूजा नहीं करेंगे मंदिर की ज्ञान में चलेंगे तो क्या कर्म नहीं करेंगे सब कर्म करना चाहिए कहते हैं कि सबको जल्दी बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं ज्ञान बैठ जाएगा उसके बाद उसका छूट कर देगा नहीं बाबा छूट तो गया है वो मानते हैं बाबा को कृपा है लेकिन जैसे अगर कहीं कोई जबरदस्ती ले आ जा रहा हो मतलब बाबा भी याद करके कर सकते हैं मतलब ये बाकी किसके लिए बोला लोग समझने लोगों की मदद करना अगर जबरदस्ती लेवा उसका पति जैसे कहीं जाना है उसके बारे में जाना है मंदिर वो जबरदस्ती कुछ नहीं करेगा नहीं बाबा ने कहा मंदिर है तो बताया इस बच्चा सचिव के आगे में सचिव के अंत में यही हमारी आत्मा कब पहले छोड़ दिया छोड़ा छोड़ा ना उस समय कर्क था उस समय तो कर्क नहीं था माँ का पाठ था जब बाप का पाठ बजाता है वो इस समय पाठ बजाता है तो पुरुष कल जो है वो दुर्योधन दुर्शासन रावण और कंस बन सकता है कि नहीं बन सकता है सब पुरुष दुर्योधन दुर्शासन और राम कृष्ण की आत्मा है चौदह पुरुष का होना चाहिए बाबा ये तो सुनने आए पावन कैसे बने बाबा को जब वो कंस और दुर्योधन दुर्शासन बन जाते हैं पूरा बन लगता है डूब जाते हैं जरूरी है तो ये पक्का इतना जरूरी है इसका मतलब ये पक्का कर रखा है कि हम घूमेंगे ये लक्ष्य रखा हुआ है दुनिया हमारा लक्ष्य है नहीं नहीं जब चोटी से बाबा पकड़ के उठाएगा इसने लक्ष्य रखा कि हमें डूबना ही है वो द्वापर के आदि में ही डूब जाएगा कि कलयुग के अंत में आखिरी जन्म में डूबेगा कलयुग के आदि में अच्छा मतलब लक्ष्य ही डूबा के रखता है डूबना हम आप बात हम तो बाप का जवाब दे रहे हैं उसने लक्ष्य ही ज्ञान में आने के बाद ये रखा कि हम ज्यादा गिरेंगे तो ज्यादा ऊंचे उठेंगे इसलिए गिरना शुरू कर दिया तो जो इसकी यही संगम की शूटिंग पीरियड में ये प्रवृत्ति है कि हमें नीचे गिरना है नीचे गिरने का लक्ष्य लेने वाला नीचे गिरने का लक्ष्य लेने वाला वो वापस उठे ही सबसे नीचे जाएगा या कभी अंत में आज नीचे गिरेगा जो एडवांस में चल के भी पूजा पाठ करते हैं उनका उनका पार्ट क्या होगा ज्यादा हिस्सा और थोड़ा हिस्सा ज्ञान कहते हैं कि घर में मंदिर मंदिर है भगवान है तो पूजा तो करनी पड़ेगी तो बाबा ये क्या है अब घर में दुर्योधन दुर्शासन रहे तो अब घर घर में दुर्योधन दुर्शासन कोई बात हो रही घर में मंदिर है तो करनी पड़ेगी बाबा आपने एक कुछ कहा था कि फिर रखिए उसको हम
एडी से चोटी तक उठाते हैं और किसी को नहीं उठाते, केवल सुंदर को उठाते हैं। जो शरीर है वो प्रकृति नहीं है, पांच तत्वों का बना हुआ पांच तत्वों का संघात, ये शरीर किंतु नहीं है। अभी मनुष्यों को अभी नंबर बात करते उसमें भी पास थी बाबा जी ज्योति ज्योति नदी तो ज्योति तो अलग रहती है और मणि अलग रहती है। आत्मा सूक्ष्म है या स्थूल है? बड़ी सूक्ष्म है, चार सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है नहीं? छोटा भी हो सकता है, छोटी छोटा हो सकता है, फिर भी उसमें रोशनी होगी। आत्मा आत्मा देते हैं है ऐसे कहते हैं जैसे आत्मा में चार रहता है ना, इस तरह के चार आत्मा शिव माने बिंदी, मेरी आत्मा का नाम ही बिंदी है, वो स्टार है सिर्फ, और जब बाबा कहा तो साकार माने वो स्टार जिसका नाम बिंदी है, वो बिंदी जब प्रवेश करता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो है बाबा, बाबा का ग्रंथ है। सीताराम है, उन्हें राम राजा क्यों कहा जाता है? सीताराम को कहा जाता है? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, सीता राजा, सीता प्रजा, सीता साहूकार, ऐसे कहा जाता है। ऊंचा उठेगा ऊंचा उड़ेगा सभी छा जाएगा। आगरा का मतलब जो आगे रहा सबसे आगे बाबा, झांसी जो झांसी की रानी है बाबा, तो ये झांसी जो झांसी का रानी का नाम सारे संसार में विख्यात है, अच्छी रानी थी, उन्हें युद्ध में काफी आगे जाने वाली थी झांसी की रानी, झांसी की रानी काफी आगे जाने वाली थी और झांसी से निकल के यहाँ पे जितने भी तीर्थ चार धाम कहा जाता है जो अलौकिक में, तो चार धाम भी झांसी से निकलते हैं, तो क्या है बाबा ऐसा कोई झांसी से? हाँ बाबा हमने कल किताब पढ़ी थी, वो तो मनुष्य ने लिखी किताब, तो बाबा यहाँ से झांसी बोलने में तो बाबा बोला यहाँ से बाबा आप दिल्ली जाएंगे तो यहीं से निकलना पड़ेगा, जितने भी स्टेट आस पास बाकी यहीं से जाना पड़ता है बाबा, झांसी से जाना होता है हर जगह, कन्याकुमारी जाइए आप, दिल्ली जाइए और पटियाला, मतलब जी जी बताइए है बाबा,
अरे झांसी जाने के लिए और भी रास्ते हैं। झांसी से निकल के जाती है नहीं और रास्ते में राजस्थान से और गुजरात से होते हुए भी जाते हैं डॉक्टर बार हम यहाँ जाते हैं ज्यादातर तो झांसी से जाते हैं ज्यादातर कहाँ है देने वाली होगी दुनिया मतलब दुनिया को सबसे ज्यादा झांसा किसने दिया नहीं माया ने दिया सबसे ज्यादा झांसा दिया महाकाली काम किया शंकर बोले ना उसका और दुनिया वालों ने ये समझा कि हमारा भी अम्मा हमको बहुत प्यार करने वाली जिस पर क्या किसकी पूजा करते हैं देवी की पूजा करने वाले हैं राक्षस संप्रदाय राक्षस संप्रदाय ने ये समझा कि हमारी अम्मा हमको बहुत प्यार करने वाली है लेकिन जब बात करके बाजार तैयार करेंगे ये तो हमको खराब करने वाली है झांसा दिया भी नहीं वो झांसी की रानी नया संगठन जो दिल्ली में तैयार हो रहा है वो आत्माएं मिलेंगी क्या? वो आत्माएं मिलेंगी लास्ट टाइम वो आत्माएं मिलेंगी या फिर हम नए संगठन को पहुँचेंगे हम पहुँचेंगे नहीं वैसे जो बाबा जैसे हम पहुँचेंगे ये सब ठीक है जो नहीं पहुंचने वाले हैं उसे मिलेंगे अभी अपना कोई नहीं बात है दुनिया के सामने नहीं पहुंचने वाले ये नेगेटिव संकल्प है या पॉजिटिव संकल्प ये तो नहीं है नेगेटिव क्यों करना है नहीं नहीं बात चलेगी तो बुद्धि तो आई जाएगी ना बुद्धि के साथ बुद्धि के साथ ज्यादा चलेगी।
या दूसरों को सुनाएंगे। वैसे मंथन नहीं करेंगे, मंथन उन्हीं का करेगा जो दूसरों को सुनाते रहेंगे। तो जिनका मंथन करेगा दूसरों को सुनाएंगे, अच्छी सेवा करेंगे, तो भगवान बाप को बच्चों को याद करता है। दुनिया में कोई बाप होते हैं तो कौन सा बच्चा उनको ज्यादा प्यारा होता है? जो बाप की दुकान संभालता है वो बच्चा प्यारा होता है, उसको ज्यादा याद करता है। निकलने बच्चे को बाप याद नहीं करता, ऐसे ही याद नहीं, बहुत सेवा करते हैं, उनका मरण चिंतन मंथन ज्यादा चलता है। ज्यादा मंथन चलेगा तो अपने अनेक जन्मों की जानकारी उनको जल्दी हो जाएगी। अनेक जन्मों की जानकारी जिस आत्मा को जल्दी हो जाएगी वो माला में अव्वल नंबर में फिर हो जाएगी, नीचे स्टेज में फिर हो जाएगी या नीचे माता बनेगा, नीचा माता बने। जो कामना करती है बाप का नाम क्यों नहीं बताते? बताते कि ब्रह्मा बाप और जगदम्बा मम्मा मम्मा, यही तो बताते मम्मा नहीं जान लेते हैं ना। नहीं, लेकिन जो जगदम्बा का नाम रखा गया, टाइटल रखा गया, वो जगदम्बा ओम राधे जिनका लौकिक नाम था ओम राधे, वो ब्रह्मा की बेटी थी या उनकी पत्नी थी? बेटी थी ना, पति तो नहीं थी। शास्त्र में भी क्या लिखा है, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी या पत्नी थी? कौन थी? बेटी थी। तो वास्तव में जगदम्बा बोल रही है, मूल में तो ये बोला वास्तव में तुम ब्राह्मणों की जगदम्बा ये है ब्रह्मा, ये ब्रह्मा तुम्हारी वास्तव में जगदम्बा है। ओम राधे को तो निमित्त मात्र रख दिया है कन्या माता को संभाल के लिए, असली जगदम्बा कौन हुई? ब्रह्मा दादा जैसा है, परंतु कम पुरुष का है, पुरुष का कम था इसी टोला का पुरुष कम था, तो पुरुष कम जो है वो ज्ञान देने का अधिकारी क्यों नहीं अधिकारी? पुरुष रहते हैं कि नहीं शक्ति पर सब दुर्मूलन दुष्टा कर अकेले जरूर करार कर अपने को रोक नहीं पाते, इसलिए सब पुरुष दुर्योधन दुषाते हैं। चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रजापिता हो कोई भी हो, अब कन्या माताएं उनको मिलता, सब कन्या माताएं द्रौपदी को क्या नाम पूतल है सुपल खाए, कोई कोई सुपल खा पूतला होती है, लेकिन मोस्टली कन्या माताएं द्रौपदी होती है, सीता होती है, पार्वती होती है, पाठ बजाने वाली उनके अंदर लज्जा रहती है कलकत्ता के मामले में, पुरुष निर्दय बन जाते हैं। इसलिए सड़क का गेट खोलने लायक पुरुष नहीं है, कौन है सड़क का गेट कौन खोलेंगे? माताएं खोलेंगे, इसलिए माताओं के हाथ में कलश दिया है, ब्रह्मा के हाथ में कलश हो गया है। ये कलश कोई ऐसी माता निकले, माताएं जो उस कलश को धारण कर सके और कलश का ज्ञान जो दूसरों को बांट सके, तभी ईश्वर के गेट खुलेंगे, नहीं तो गेट खुलने वाले नहीं। तो आपका पता था कि बीते वालों में अम्मा कौन है?
जगदम्बा कौन कभी सोच लिया बात नहीं हुई और आगे ब्रह्मा ने तो सही छोड़ दिया ना। अगर कहें ब्रह्मा ही अम्मा है तो बात तो सही है, जगदम्बा का पाए तो वास्तव में ब्रह्मा की आत्मा है, लेकिन तन पुरुष का पुरुष का तो पूजा नहीं जाता। भारत वर्ष में ब्रह्मा का चोला पूजा जाता है, मंदिर बनते हैं नहीं बनते, मूर्ति बनती नहीं, पूजा होती नहीं। कब पूजा होती? वही ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जब कोई ब्राह्मणी में प्रवेश करती है तब जगदम्बा मैंने एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी में कोई है जगदम्बा कार्तिक के जो पाठ बन जाती है तो जगदम्बा, और तांत्रिक के जो पाठ बन जाती है तो महाबाली, तो संघार भी कही जाती है ना। पत्रों का संघार किसने किया? देवता ने किया या देवियों ने किया? किसने किया? देवी। तो असरों का संघार करने वाली वही जगदम्बा जब काम की रूप धारण करती है तो महाकाली के रूप में असरों का संघार करती है। ये असर बाहर की दुनिया में संघार पहले करेगी या पहले देश की दुनिया में संघार करेगी या पहले एडवांस में संघार करेगी? दीपावली आती है, लक्ष्मी प्रत्यक्ष होती है, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो पहले घर की सफाई करते हैं तो बाहर से सफाई करते हैं या अंदर से सफाई करते हैं? कीड़े मकोड़े अंदर से कीड़े मकोड़े सफाई करते हैं। तो घर कौन सा है हमारा? भगवान का आदमी घर कौन सा है? एडवांस पार्टी है या बेसिक पार्टी है या बाहर की दुनिया सारा भगवान का घर है? एडवांस पार्टी असली भगवान का है। ये रुद्रमाला रुद्र भगवान सिंह को कहा जाता है, भगवान सिंह ही कंकन के रूप में रुद्र रूप धारण करते हैं और विशेष सहयोगी बनती है रुद्राणी महाकाली। बाबा जो आत्मा होती है किसी की उसकी विकृति के सेंटर में उसका स्थान होता है, ऐसी जो राम वाली आत्मा है उसकी बिल्कुल के सेंटर में उसकी अपनी उसकी आत्मा हो गई, तो जो शिव सुप्रीम को जब उसमें प्रवेश करता है तो उसका जो स्थान है उसमें बिल्कुल में वो उसको कहाँ माना जाए? बीच में ही या उसका ब्रह्म की आत्मा तीन आत्माएं होगी तो राम जी को सेंटर में होगी बिल्कुल के आत्मा, मतलब शिव को जब याद करते हैं उसको भी ये करनी है कि आत्मा कहाँ पर उसको जाता है, आत्मा माना क्या है? मनबुद्धि, मनबुद्धि का ही नाम तो आत्मा है। तो सुप्रीम सोल जो आता है वो भी मनबुद्धि में प्रवेश करता है क्या? तो ऐसा तखत नहीं है कि सूर्य जिसके ऊपर प्रवेश करता है, हाँ स्थान तो ये है, कोई राजा भी बैठता है तो अपने अपने बड़े बड़े मुख्यमंत्री महामात्य सेनापति वगैरह के बीच में बैठता है ना, तो ऐसे ये आत्मा इस शरीर की राज्य का राजा है, ये आंखें महामंत्री है, नाक कान ये सब मंत्री है, इनके बीच में ये महाराजा उनकी शेर में विराजता है। तो जो आत्मा है वो स्वयं मनबुद्धि रूपी है, तो मनबुद्धि रूपी आत्मा में ही आदेश होता है और उसी में आवेश होता है ब्रह्मा की तुलना असली जगदम्बा। इसलिए शंकर को अर्धनारीश्वर के रूप में भी दिखाया जाता है, आधी स्त्री और आधी पिता, यानी एक ही रूप में पिता भी काम करता है प्रवेश करके और माता भी काम करती है, पिता के रूप में फिर और माता के रूप में जन्म दिया जाना है, जरूर हो गया, नहीं तो इतना बड़ा परिवार है एडवांस का। इसके साथ तो कन्याएं जो कैलेंडर है और वो परिवार तो है,
उस परिवार को उगाने वाले कोई तो माँ बाप में व्यक्ति होंगे या सन्यासी। गृह धर्म की स्थापना हो रही है, गृह धर्म की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है या सन्यासी की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? गृह धर्म की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। तो बेहद का जो गृहस्थी बाप बन करके आया हुआ है वो ये बात साबित होनी चाहिए कि माँ बाप कौन, बिना माँ बाप के ये इतने बड़े परिवार की पालना कैसे हो रही है? घर में दो चार बच्चे होते हैं, माँ और बहन छोड़ जाती है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। धर्म को छोड़ के आराम कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। बाबा ने बोला है ना भारतवर्ष में पुरुष की स्त्री बढ़ जाती है तो कहते हैं कि एक जूती गई तो दूसरी लेते, ऐसे करके जीवन में तीन चार शादी कर लेते। तो बातों की यहाँ की है ना, असली रूप में जो बड़ी माँ है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बड़ी माँ होना चाहिए लेकिन उनका पारा क्या भी धूम रखता है। ब्राह्मण परिवार है तो ब्राह्मण परिवार में विनाश पायनी का पाठ भी है और पालना करने वाले का भी पाठ है और स्थापना करने वाले का भी पाठ है, परिवार को बढ़ रहा है। मुझे बुरी शहर है जैसे हद का नाम है तो जी हद में ज्ञान के हिसाब से इसका कोई आत्महत्व नहीं करता है, भी बुरी है। पंजाब तो सिखों का प्रदेश है लेकिन सिख तो लिखे नहीं है, सिखी नहीं शिक्षित हो गए सिखी हो गए वो बात हो रही है। गुरु नानक से जो परंपरा चली है उस परंपरा वाले सिख तो अभी नहीं कर रहे, संगठन में वहाँ पहुँच जाते हैं वो तो दाड़ी वाड़ी में है दिखाई जा रहे हैं तो वो है। और वास्तव में एडवांस का जो पहली गीता पाठशाला बनी वो भी सिखों के द्वारा, जहाँ पे जो गीते आश्रम है वहाँ भी कोई सिख नहीं है, जहाँ पे जो बेसिक में भी नहीं है ऐसे खास नहीं है। क्यों नहीं कोई कारण होगा? सिख लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सिखों की वजह से लेकिन सिख निकल क्यों नहीं रहे, क्या कारण होगा? क्यों निकलना होगा? क्रिश्चियन निकल रहे हैं, मुसलमान ने तो माता जी बैठी हुई क्यों लास्ट में लास्ट नंबरों का क्यों पड़ गया जबकि श्रेष्ठ नगर देवी देवता सनातन धर्म के संकट बता दिया बारहवीं बजे ये कहावत है सिखों के लिए अभी बारह नहीं बजे है इसलिए दिमाग गर्म रहता है, जब बारह बजे क्या सब रोशनी रोशनी हो जाएगी ज्ञान की भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? शरीर तो कहना हल्की हल्की होती है, शीतल करने लगती है, ज्यादा असर नहीं करती, करते 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 करके ऊपर आ गया तब रुकना, फिर जब वो सिख निकल पड़ेगी उसका नाम है रणिकेत, रणिकेत रणिकेत तो उसका लिखा हुआ है वहाँ पर इतिहास में के जो शास्त्र है ना प्राचीन उन्होंने रणकेश्वर मंदिर है रणकेश्वर के नाम से, तो पानी में युद्ध किया था ना जब तो उनको अर्जुन को गंडी पुष्ट दिया था तो एक स्थान पर दिया था जहाँ से टैमिल जो है तो वहाँ प्राचीन क्षेत्र है, उनको मानता है कि यहाँ पर जो उन्होंने तपस्या शुरू की जब क्षेत्र के लिए चले तो जहाँ से स्थान पर जहाँ पर गंडी पुष्ट अर्जुन को दिया शिव ने वो उसका भी कोई बेहद में सोने के हाथ से हुआ सोने का
जमीन से बोलने का हाल हाल चलाने का सोना माने क्या है? सोना माने सच्चाई प्योरिटी। सोना माने प्योरिटी सच्चाई। हल चलाने वाला कौन है? राजा जनक। जनक माने क्या है? जनक को याद होता है? जनन जननी जनक जनने वाला जनने वाला माने जन्म देने वाला। जनक माने जन्म करने वाला माने बाप। क्या पिता किसी पुत्री भी राजा जनक की पुत्री। मनुष्य शक्ति का पिता है वो ऊपर उनका पार्टनरी है ना। तिरुपति रंगमंच का हीरो पार्टनरी है ना। कौन है? प्रजापिता। जो प्रजापिता है वही आत्मा को जन्म देने वाला है। आत्मा के स्वरूप को पहचान देने वाला जो सच्चा होगा और जितना ऊंचा होगा तो उसका हल भी कैसा होगा। राजा का राजा होता है तो राजा की हर चीज कैसी होती है? सोने चांदी के बर्तन होते हैं। राजा जो खाना खाते हैं तो कौन से बर्तन दिए जाते हैं? मिट्टी के बर्तन देते हैं क्या? सोने चांदी के बर्तन देते तो उसका हल भी सोने का। बेसिक वाले जो है हद की बात करने गए या बेहद की बात करने गए? उनकी बुद्धि हद में पकड़ेगी या बेहद में पकड़ेगी? हद में पकड़ेगी। जैसे मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो संदेश में संदेशियों ने कहा है कि नेपाल में चलूंगा राजघराने में नहीं। तो क्या हुआ? नेपाल में कोई राधा कृष्ण की आत्मा कहीं सुनने में आई? नहीं आप उसका अर्थ है बेहद में। नेपाल का मतलब है नई दुनिया की पालना करने वालों का संगठन। वो है आज भी नेपाल का लोकेशन जो है स्थिति जो है वो ऊंची स्टेज के पहाड़ों पर है या नीचे नीचे पहाड़ पर। अब वहां की जो वंश परंपरा है राजाओं की वो अभी अंत तक बरकरार है और सब देशों में दुनिया के सब देशों में राजा की परंपरा खराब हो गई। नेपाल अभी अंतिम जन्म तक भी राजा ही महाराजा ही चलती है। तो नेपाल इस बात की यादगार हुई, इस बात की यादगार हुई कि भगवान बाप आकर की जिन बच्चों को डायरेक्ट वर्षा देता है वो नई जन्म की पालना करने वाले बच्चे हैं। असली नेपाली जनरेशन वो है। इसलिए समझी जी बता दिया कि नेपाल में लोग जन्म लेंगे राजा जी की आत्मा नई दुनिया की पालना करने वालों के संगठन में जन्म लेगी या दूसरे लोग को ही उसकी पालना कर जन्म देंगे। भगवान बोला भगवान बोला नहीं तो उसका अर्थ असली क्या हुआ? जो ब्रह्मा की सूर्य है वो संसार में प्रवेश करती है या नेपाल में जाके जन्म ले लिया? बेहद की बात है। ऐसे ही ऐसा भी है जन्म नहीं हुआ साकार दुनिया में तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले करने वालों का जन्म कैसे हो सकता है? अभी छोड़ते छोड़ते कर क्या उनकी बुद्धि में बैठा नहीं बैठा तो कैसे जन्म ब्राह्मण जन्म में तो दूसरा जन्म भी हो सकता है।
सिर्फ खोल सकता है की बात नहीं, सवाल यह है उन्होंने जीवन भर किसको याद किया है? सुमरता रवि ब्रह्म को याद किया। तो जिसको याद करेंगे वैसी ही गति होगी या कोई दूसरी गति हो जाएगी? ब्रह्म ने भी अचानक शरीर हुआ, इन्होंने भी ब्रेन हेमरेज हुआ अचानक शरीर होगी, जल्दी हुआ ही है कहीं से हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ हेमरेज हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ अचानक शरीर होगी, यहाँ की तैयार थी वो कौन चंद्रमा जाती गंगा की इंचार्ज टिक्कर दादी, उन्होंने भी ऐसे ही कैसे कैंसर है आसान का फोन कर दिया था अलका दादी तो सबकी मुखिया है, उन्होंने सबको बांध रखा है। हमको याद हो गए मतलब अभी कहाँ हो जाएंगे, वो कमाटा गर्दी ने जो बांध रखा है हमको याद हो गए क्या और चले गई याद नहीं हो गए और ज्यादा खराब हालत होगी और कौन होगी जो परंपरा जानती हुई परंपरा तो चलते रही उनका कोई भी चेला होगा गुरु के मुकाबले जो नया चेला गद्दी पे बैठता है और बदतर होता है या अच्छा होता है गुरु की तरह चलती है ना, जैसे गुरु नानक गुरु नानक के बाद गुरु नानक की गद्दियाँ चली आई कि नहीं चली आई, दस ग्यारह गद्दी तक तो ठीक रहा और उसके बाद अभी जो गद्दियाँ चल रही है कोई है तो बैठे ना कोई मुखिया भी बैठे वो अच्छा काम कर रहे हैं गुरु नानक से या बदतर काम करते चले जा रहे हैं, जो चेला आएगा उन्हीं की चेला है। ध्यान में जाती थी चित्र देखती थी वो आकर के यहाँ चित्रकार को बताती थी ऐसे ऐसे हमको दिखाया उनके बोले हुए के आधार पर चित्रकार बनाता था फिर पागल हो गया अच्छा बाबा जैसे आज आपका आना इसका तो पहली बार सुना इसका तो आना करे चलो तो पहली बार हुआ चौरासी की जन्म अभी दिल्ली में आना नहीं देंगे इस रूप में अब उसके बाद वो बाबा का आना होगा ना संख्या बढ़ाएंगे तो आएंगे अपने आप बच्चे पैदा होंगे तभी तो आएंगे नहीं जो बच्चों को बच्चे पैदा आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे आप दुकान बाबा की बढ़ाएंगे तो बाबा आपकी तरफ ध्यान देंगे अभी तो बताया तभी से हम बच्चों को बाप दादा याद करते हैं आप आपकी सेवा करेंगे आप में निकलेंगे भक्ति करने जाएंगी वहाँ उनकी केक देख करके क्या होता है शोहरत उड़ेगी दूसरे दूसरे में बड़े अच्छे की याद हुआ है बहुत अच्छे आए ज्ञान की बात नहीं हुई है शोहरत तो होती है ना लालने के पाँव पालने में पता तो चलते है ना तो बाबा का ध्यान कर रहे हैं कोई ज्ञान होने वाली माता नहीं निकल रही ज्यादा कोई पता नहीं क्या बात है तो जितनी का जरूर पड़ता है वो भी निकले हैं उनमें जितना जितना प्योरिटी का वाइब्रेशन होगा उतनी अच्छी आप क्यों करें दिक्कत होती है ज्यादा दिन होने से भी दिक्कत तो होती है ऐसी बात नहीं तो ऐसे जा रहे हैं जाकर नहीं आए जो बैठे हुए हैं लेकिन वो रह गए हैं जो अब वो जा ही नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं लिखते हम जब पहुंचते दुकानदार वाले लोग खेलने का सफर करके
जाना होगा कहीं भी चला जाएगा। आपको जाना होगा तो आप कहीं चले जाएंगे, आप किसी बैठे आपके लक्ष्य क्या है उनको पैदा तो होना चाहिए बात के घर में जाके। आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ने के बाद अपने बाप के घर में जाके जन्म लेती है, तो जन्म लेगी तभी तो बाप बनेगा, तभी तो बच्चा बनेगा। जन्म लिया ही नहीं बच्चा बन जाएगा तो फिर भगत बना देंगे आप बच्चा तो बनाएंगे नहीं। हम बच्चा बनेंगे, हम जन्म जाएंगे वो 9 महीने की बच्ची होती है, 9 दिन की, 1 दिन आना है 1 दिन जाना, अर्थात उनकी बच्ची। जिस दिन जाते हैं पार्टी को लेकर के तो ज्ञान की ही बातें करते हुए जाते हैं, तो सब बातें करते हैं ज्ञान जन भी पकड़ा है। जिस दिन लौटते हैं तो बच्ची के ही अलग वो बुद्धि में रहते हैं, कुछ और बुद्धि में रहता है, लौटते हैं उस दिन भी ज्ञान ही ज्ञान बुद्धि में रहते हैं। बच्ची है नवीन का घर है, बुद्धि होगी बच्चा।